आज मैं आपको एक प्रेरणादायी कहानी सुनाने वाला हूँ ये वीडियो के माध्यम से। जिद रही, डिटर्मिनेशन रहा, डेडिकेशन रहा, जुनून रहा, जोश रहा, उत्साह रहा, उमंग रहा, तो ये चीज़ें जब रही ना तो कुछ भी संभव है। आपके दिमाग में जब डिज़ायर है, उसके ऊपर विश्वास है और आप एक्शन ले रहे हो तो कुछ भी संभव है, आप कुछ भी पा सकते हो। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, नागपुर, पुणे, यहाँ हमारा हॉस्पिटल है और यहाँ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। मनोविकार और व्यसन, इनका हम इलाज करते, लोगों को भर्ती करके उनका इलाज करते रहते हैं। आज बताने वाला हूँ एक महिला की कहानी, जिसके पास में जिद थी, एक दृढ़ निश्चय था, एक विश्वास था, वचनबद्धता थी अपने पति के तरफ। पति बीमार, वो महिला का नाम है, हमारी महिला है, अकोला के पास में महकर करके गांव है, 110 किलोमीटर दूर, उसका नाम है लता भगवान करे। वहाँ की महिला, उसके पति बीमार हो गए, तीन लड़कियाँ, एक लड़का, लड़कियों की शादी हो गई, लड़का कहाँ काम करते रहता है, और उसके पति को हार्ट की शिकायत हो गई। डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसको काफ़ी तकलीफ है, सीरियस हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, आपको इलाज की ज़रूरत है, उनको और कहीं बड़े सेंटर में लेके जाओ। अब बड़े सेंटर में लेके जाना तो पैसे कहाँ से लाना, घर की गरीबी है, पैसा नहीं है, और कहाँ से लाएंगे पैसे। कहाँ, बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत खर्चा हो जाएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा। उसको फिक्र थी कि मैं मेरे पति को कैसे बचाऊँ। डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा और इलाज कहीं बाहर जाके, बड़े सेंटर में जाके करना पड़ेगा। ये तो उसके मन में जब चालू था, तो उसने अचानक एक अखबार देखा जिसमें लिखा था कि बारामती में, जो पुणे के पास में 90 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ एक मैराथन रेस चल रही होने वाली है, और मैराथन रेस में वो दौड़ती है तो उसको प्राइज़ मिल सकता है यदि वो फर्स्ट आती है तो। उसने मन से निश्चय कर लिया कि चलो मैं दौड़ दौड़ूंगी। उसकी उम्र है 67 ईयर्स, 67 साल की उम्र, और 67 साल की उम्र की महिला मैराथन में दौड़ रही है अपने पति के इलाज के लिए, कि मैं मैराथन में दौड़ूँ, वहाँ एक फर्स्ट प्राइज़ लाऊँ और वो पैसा जो मिलेगा ना उससे मैं पति का इलाज करूँ। सब लोग बोल रहे कि ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास में तो ट्रैकिंग सूट नहीं है, आपके पास में तो शूज़ नहीं है, आपको मालूम नहीं कैसा करना, क्या करना, तो कैसे दौड़ना, क्या करना पड़ता है, कभी किया नहीं है। बोले मैं तो करूँगी। और वो 2013 में पहली बार बारामती में जो मैराथन हुई उसमें वो दौड़ी और उसने उसमें पहला नंबर लाया। 5,000 रुपये का उसको नगद पुरस्कार उसमें मिला, और बाद में तो इतने पुरस्कार उसको आ गए, कई संस्थाओं ने मदद कर दी, उसके पति का इलाज हो गया, जो असंभव था। मगर एक जुनून था, एक जोश था, एक उत्साह था, एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन है कि नहीं हम तो करना ही है भाई, वो तो करना है, मतलब है, दृढ़ निश्चय है। तो वो यदि आपके दिमाग में है, आपकी इच्छा है वो करने की, आपका विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता तो मिलेगी मिलेगी। मगर सिर्फ वांट या डिज़ायर करके नहीं होता, उसके ऊपर बिलीव करके नहीं होता, उसको ज़रूरत रहती है एक्शन की, मतलब कृति करने की। तो कृति भी करना बहुत जरूरी है। यदि आप कृति करते हैं उसके साथ साथ, तो जो भी आप कंसीव करते हैं, उसके ऊपर बिलीव करते हैं और उसके साथ साथ एक्शन करते हैं, तो आपको वो अचीवमेंट डेफिनेटली मिल सकती है। तो आइए, ज़रूर अपने जीवन में ऐसी कुछ बात लाओ, ऐसा कुछ विचार लाओ कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए भी जो भी करना पड़े वो यदि आप करते हो तो आपको जो भी चाहिए वो डेफिनेटली मिल सकता है। और उसके लिए ज़रूरत है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही है, और नो मैटर व्हाट, मुझे, मैं तो ये लेने के सिवाय रहूँगा नहीं, ऐसे यदि आप निश्चय करते तो आप जो भी आपके दिमाग में गोल फिक्स करोगे, जो भी आपका ध्येय उद्दिष्ट होगा, वो पूरा आपको हासिल हो जाएगा। तो आइए, ज़रूर ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों को ये कहानी से प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। जब 67 साल की महिला, जिसको दौड़ना मालूम ही नहीं है, वो दौड़ के, मैराथन में दौड़ के वो पहला प्राइज ला सकती है, तो हमारे जवान तो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक लक्ष्य तैयार करने की और कृति करने की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, उनको प्रेरणा मिलेगी, अपने जीवन में वो सफलता पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकॉन का जो चिन्ह आता है ना, तो उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।